रोशन ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। शिमला के स्केटिंग रिंग में आज से स्केटिंग शुरू कर दी गई है। मौसम का साथ मिलते ही आयोजकों ने आज सुबह 8 बजे स्केटिंग का ट्रायल किया। अब रोजाना इसे जारी रखने की तैयारियां चल रही है। हालांकि स्केटिंग अभी भी मौसम पर भी निर्भर करेगी। यदि आसमान साफ रहता है तो तापमान जमा बिंदु के नजदीक रहता है तो स्केटिंग हो पाएगी। आसमान में बादल छाने या मौसम के खराब होने के कारण स्केटिंग नहीं हो पाएगी। मेरा नाम मनप्रीत सिंह है और मैं शिमला आइस स्केटिंग का ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हूं। देखिए, हमारी जो ट्रायल्स थी आज सक्सेसफुल रही हैं। आइस की जो कंडीशन है वो अच्छी है और मोस्ट प्रॉबली कल से हम जो है अपना फर्स्ट सेशन जो है शुरू कर देंगे। इवनिंग सेशन को तकरीबन एक हफ्ता और लगेगा सर, क्योंकि आइस की जो दिन में कंडीशन है वो मौसम की वजह से थोड़ा सा जो है नमी हो जाती है उसमें, तो इस वजह से जो है इवनिंग सेशन अभी टाइम लगेगा। हमारा जो मेन जो हमारे जो यहाँ के फीचर्स हैं वो है कार्निवल हमारा, जो 25 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर के बीच में मौसम की अनुकूलता को देखते हुए किया जाता है। और हमारा जो स्पोर्ट्स इवेंट्स है जिसको हम जिम खाना बोलते हैं वो जनवरी के फर्स्ट वीक में शुरू किया जाता है। तो प्रतियोगिता तो हम एडमिनिस्ट्रेशन की परमिशन के बाद ही कर पाएंगे, बाकी जो है हमारा मौसम के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट है, तो अगर मौसम का हमारे को साथ मिला तो हम जरूर कर पाएंगे। उज्जवल हिमाचल के लिए ब्यूरो शिमला। डॉक्टर KDI's हॉस्पिटल, आपकी आंखों का हम रखेंगे ख्याल।